the things that basic things जो आप कर सकते हैं, अगर आपको सबसे basic चीज़ करनी है घर पे, तो आप बाहर litter मत कीजिए, जो आप plastic फेंकते हैं, gutter में फेंकते हैं या किधर भी फेंकते हैं, उसको ठीक से dispose कीजिए. बारिश का मौसम है, I wanted to do something related to monsoons, so I wrote this song because मॉनसून में जितना नॉस्टैल्जिया का फीलिंग आता है ना, कोई दूसरे सीजन में नहीं आता. तो आई फेल्ट लाइक दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट कैन बी अ मॉनसून एंथम एज सच. एंड मुझे लगता है कि लोगों को लगता भी है कि मॉनसून के टाइम पे रोमांस का सीजन शुरू हो गया है, तो आई फील लाइक दैट ऑल्सो वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो मैं खुद के वीडियोस में सब कुछ लिखता हूँ, मैं म्यूज़िक भी लिखता हूँ, मैं गाता भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, कॉन्सेप्ट भी लिखता हूँ, वीडियो को बाद में एडिट भी करता हूँ. तो मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड से आई ओनली टेक राइट द स्टोरी. और फिर ऑफकोर्स इतने सारे लोग हैं मेरी टीम में जो इनपुट देते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं, तो उनके फीडबैक के साथ आई फील लाइक वो वीडियो का लेवल बहुत हाई चले जाता है. खून चूसले तो बहुत पहले की बात है, 2013 में खून चूसले रिलीज़ हुई थी, एंड आई फील लाइक वो गाने के साथ तो गाना तो हिट था, लेकिन मेरा करियर आगे नहीं गया उसके बाद. तो मैंने एक साल के लिए ब्रेक ले लिया था 2014 में, और मैंने एक्टिंग सीखी थी वो एक साल में. न्यूयॉर्क में एक स्कूल है, ली स्ट्रासबर्ग स्कूल, तो वहाँ पर मैं जाके एक्टिंग सीखा था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है. तो मैं जब ही वापस आया बॉम्बे, मैं सब स्ट्रगल करने लगा एज एन एक्टर. और फिर मुझे एक कॉल आया एक म्यूज़िक लेबल से, उन्होंने कहा कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर बीइंग अ सिंगर एज अ पॉप आर्टिस्ट. तो मुझे पता नहीं था कि पॉप सीन इतना बड़ा कैसा था, मतलब साइज़ वो टाइम पे पता नहीं था क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा था. आई थिंक ओनली हनी सिंह एट दैट टाइम एंड बादशाह वर डूइंग पॉप म्यूज़िक एट दैट टाइम, तो नोबडी एल्स वॉज देयर. और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे बॉलीवुड में नहीं गाना है अभी फ़िलहाल, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. बॉलीवुड से कॉल आते रहते हैं, लेकिन मुझे अभी वो नहीं करना है, मुझे एक्टिंग पर फोकस करना है. तो उन्होंने कहा कि आप दोनों कर सकते हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी कर सकते हैं, ये पॉप आपके आप अपने खुद के वीडियोस में फीचर कर सकते हैं. तो मैंने बोला ठीक है, आई ट्राई इट, एंड आई ट्राइड इट, एंड द फर्स्ट सॉन्ग दैट वी केम अप विद एट दैट टाइम वाज बाकी बातें पीने वाला, और वो बहुत बड़ा हिट हुआ. और फिर उसके बाद मैं उसमें लग गया, और एक्टिंग तो भूल ही गया उसके बाद. मेरी फोकस अभी पूरे म्यूज़िक पे है, लेकिन मैं एक्टिंग करते रहता हूँ, जब भी मुझे ऑफर्स आते रहते हैं तो मैं करते रहता हूँ. पिछले साल एक मैंने फिल्म की थी जलेबी, तो जलेबी मेरी एक अपीयरेंस थी जो मैंने की थी. और आई डिड वो रोल ऐसा था कि मैं आई वाज प्लेइंग माय सेल्फ, तो अर्जुन कानुंगो फिल्म में था एज अर्जुन कानुंगो, और वो अच्छी एक्सपीरियंस थी. तो मैं उसके बाद मैंने एक शो किया था, एक इरोस नाम एक शो है साइड हीरो, जिसमें मैं हीरो भी था विलन भी था, तो आपको वो देखना चाहिए. एंड आफ्टर दैट मुझे एक दो ऑफर्स मिले हैं एक्टिंग की, जो अभी प्रोजेक्ट्स चालू है, ऑन दे आर ऑन द फ्लोर्स, सो होपफुली यू गाइज विल बी एबल टू सी इट सून. मेरे लिए स्विच डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में है ना, म्यूज़िक और एक्टिंग दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं. म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग सब सेम चीज़ होती है. और अगर आप पिक्चर भी करोगे एज अ बॉलीवुड एक्टर, आपको गाने की मतलब यू डोंट हैव टू सिंग योर ओन सॉन्ग्स, तो शायद गाने की टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डांस तो करना पड़ेगा. कुछ तो ताजुब रहता है म्यूज़िक से हर फिल्म में. तो मुझे लगता है कि सबसे नंबर वन प्रायोरिटी सबकी होनी चाहिए अभी एनवायरनमेंट को कुछ अच्छा करना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस प्रॉब्लम हो गया है कि हमें सबको अफेक्ट करता है. आई थिंक मे बी इन 10 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं करना चाहता तो हूँ, लेकिन द थिंग अबाउट द एनवायरनमेंट इज़ दैट आप जितना भी करोगे ना, इनफ नहीं रहेगा अनलेस एवरीबडी डज इट. तो अभी फ़िलहाल तो मैं आई एम प्लांटिंग ट्रीज़, मैंने 3000 ऐसे कुछ 3000 ट्रीज़ मैंने खुद प्लांट किया है. मेरा जो घर में आप देख रहे हैं अभी, मेरे घर में इट्स कम्प्लीटली सोलर पावर्ड, मेरे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बाहर, तो ये सब पंखे वंखे सोलर पैनल से चल रहे हैं, एसी भी सोलर पैनल से चल रहा है. जितना हो सकता है मैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करता,
जितना हो सकता है, मैं पानी कम यूज़ करता हूँ. दीज आर थिंग्स आर बेसिक थिंग्स जो आप कर सकते हैं. अगर आपको सबसे बेसिक चीज़ करनी है घर पर, तो आप बाहर लिटर मत कीजिए. जो आप प्लास्टिक फेंकते हैं, गटर में फेंकते हैं या किधर भी फेंकते हैं, उसको ठीक से डिस्पोज़ कीजिए. जो क्योंकि आपको लगता है कि आप डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन वो प्लास्टिक सीधा समुंदर में जा रहा है. वो पूरी समुंदर प्लास्टिक ज़्यादा है, और मच्छी और नेचर जो है समुंदर में वो कम होते जा रही है. तो आई फील लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अभी 10 साल 15 साल में बहुत ख़राब होने वाला है. और आम आदमी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा. जिसके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो तो किधर और चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और इंग्लैंड चले जाएंगे, जहाँ पर वातावरण थोड़ा और बेटर है और उनको थोड़ा और टाइम मिलेगा कुछ करने के लिए. लेकिन हम जो यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है. और आपको ये सोचना चाहिए इसके बारे में. मेरी कभी इच्छा ही नहीं थी कि मुझे सिंगर ही बननी है. मुझे म्यूज़िक करना था, ये मुझे पता था. तो मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला था, और वहाँ पर मैं म्यूज़िक कंपोजिशन सीख रहा था. और वहाँ पर मुझे बहुत म्यूजिशियंस मिलते थे और मुझे बोलते थे कि यार तुम्हें म्यूज़िक बनाना है तो मेरे साथ बनाओ, ऐसे करो. एक दिन आशा भोसले जी का बैंड आया था वहाँ पर. मैं गिटार बजाता था वो टाइम पर, और कंपोज करता था गिटार पर. तो मुझे बजाते एक नितिन शंकर करके एक परकशनिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि आप गिटार अच्छा बजाते हो, आप क्यों नहीं आशा जी के बैंड के लिए ऑडिशन कर लो, देखते हैं कुछ अच्छा हुआ तो आप हमारे साथ टूर पे आ सकते हो. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि मैं आशा जी के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ. तो मैंने ट्राई की, और ऑडिशन पे वो आए थे, आशा जी आए थे. मैं बहुत नर्वस था, और मैं बजाते आई वॉज ऑल्सो सिंगिंग, क्योंकि मुझे दिखाना था कि कौन सा गाना गा रहा हूँ मैं बजाते. तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि आप गिटार बजाना छोड़ दो, आप गिटार बहुत बेकार बजाते हो. तो मैंने कहा मैम ऐसा नहीं है कि मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हूँ. तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बैड म्यूजिशियन हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपको गाना चाहिए. मैंने आपको थोड़ा गुनगुनाते हुए सुना था, और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ और टेक्सचर बहुत अलग है. तो मैंने कहा कि मैम मेरे दिमाग में ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे गाना ही है, और आई हैव नो एस्पिरेशन टू बी अ सिंगर. लेकिन उन्होंने कहा कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है और आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो मैंने उसके बाद पहली बार उसके बारे में ऐसे सीरियसली सोचा कि यार अगर आशा जी कह रही है तो कुछ शायद मेरी आवाज़ में है ही. एंड आई ट्राइड अ लॉट. फिर भी मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, लेकिन आई फील लाइक नाउ पीपल नो मी फॉर माई वॉइस एंड एज अ सिंगर आफ्टर मेनी ईयर्स, मे बी अबाउट 7 ईयर्स. मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और लोग मेरे गाने सुन रहे हैं. तो आशा जी यू आर राइट. अभी तो फिलहाल मेरे गाने ही निकलेंगे. अभी मैंने वो बारिश है एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया था. तो मैं नेक्स्ट सॉन्ग विल प्रॉब्ली टेक 1-1.5 months, क्योंकि मुझे वो बारिश को प्रमोट करना है और उसे हिट बनाना है. और स्लो गाने के लिए थोड़ा और टाइम लगता है, तो आई फील लाइक उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए. फिर आई थिंक अराउंड अगस्त सितंबर मेरा एक और गाना आएगा, और अक्टूबर में भी एक गाना है, दो बॉलीवुड के गाने हैं. एंड देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई हैव वन मोर सिंगल इन डिसम्बर. मेरा एक्टिंग प्रोजेक्ट इज़ ऑन द फ्लोर, सो आई विल बी डन विद इट अराउंड ऑगस्ट, एंड दैट शुड बी रिलीजिंग सप्टेम इन मार्च नेक्स्ट ईयर. मैं कहना चाहता हूँ आप वो बारिश है प्लीज़ यूट्यूब पे देखिए. अभी रिलीज़ हो चुका है एक हफ्ते पहले. उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा है. आई फील लाइक यू विल लव द सॉन्ग. और ये गाना ऐसा है कि इट विल मैच द मौसम. सो यू गो एंड watch it and please share it with your friends. Thank you for your support as always. Hi guys, this is Arjun Kanungo and you're watching me on My Apuri Cut.